हम भाई ट्रैकिंग करने के लिए यहाँ से आगे जा रहे थे, लेकिन जंगल बहुत घना है और बर्फ़ बहुत ज़्यादा है भाई। इस बर्फ़ पे चला ही नहीं जा रहा था, लेकिन ये तो भाई साहब मानने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन अब मैंने इसको रिक्वेस्ट किया, भाई मैं बीमार हूँ तो वापस चलते हैं, किसी घर में बैठते हैं भाई, तो नहीं चला जाता है कसम से यहाँ से। तो ये नहीं मान रहा है भाई, इसको समझाओ यार, इसको कुछ बोलो, ये क्यों नहीं समझता है यार ये बातें। बर्फ़ में नहीं चला जाता यार, ये आप चेक करो। ये बोल रहा था अभी जाएंगे हम, अभी कम से कम हमें 10 किलोमीटर जाना था ऊपर, तो मैंने नहीं माना भाई, अपनी जान है तो जहान है भाई। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं भाई इनके भेड़ बकरियां देखने के लिए, और अंकल जी हमें ले जा रहे हैं। ये बंद करो दरवाज़ा। ओह भाई साहब माशाल्लाह, ये चेक करो गाइस, क्या भेड़ बकरिया है भाई। अभी हम इनका दूध पिएंगे, ये आप देख सकते हैं बढ़िया भेड़ है। तो मैं अभी भेड़ का दूध पीने जा रहा हूँ भाई, ऐसे ही। जबरदस्त। अभी हमने बैग जो है अपना पैक कर लिया है भाई, अभी इधर से निकलने का टाइम आ गया है। तो यह बाहर का व्यू देख सकते हैं भाई, तो इधर से हमें ऊपर जाना है इधर से, तो अभी निकलते हैं। तो फाइनली दोस्तों अभी हम निकल गए इधर से, आप देख सकते हैं बैग जो है हमारा पूरा पैक हो गया है। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ का दिखाता हूँ भाई, ये आप चेक करो, ये ज़बरदस्त मुझे लगा भाई। यहाँ पे देखो आजकल क्या होता है, आजकल हमारे पास स्टीमर होता है, लेकिन यहाँ पे स्टीमर नहीं है, मिट्टी का बना है पूरा भाई। इसमें पानी गर्म होता है और यहाँ से इसके अंदर कोयले वोयले जाते हैं, और आजकल तो ये यूज़ होता है, ये भी नहीं है, आजकल तो हीटिंग सिस्टम होता है सारा कुछ, वो हीटिंग वाला होता है। तो ये पुराने ज़माने में यूज़ होता था, जो कि आज भी होता है, जो कि गांव में आज भी होता है। तो अभी इधर से निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने सफ़र की ओर। तो अभी जूता लगाएंगे यहाँ पे, तो निकलते हैं। तो अभी निकलते हैं इधर से हम, आप देख सकते हैं कि कहाँ से हम जा रहे हैं भाई वापस। चाचा जी निकले, हम निकलते हैं। कैसे ठीक। तो ये इनका घर है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, ये असल में घर नहीं है, शीप फॉर्म है यहाँ पे। यहाँ पे शीप वगैरह होते हैं इनके, और यहाँ पे डॉग होता है ये छोटा सा, ये देख रहे हो आप। तो अभी इधर से निकलना है भाई, और पहले थोड़ा बहुत पानी पियेंगे, बहुत स्लिप है यहाँ पे, स्लिप, यही पानी मैं पीऊँगा। ये आप गांव देख सकते हैं, यहाँ से नीचे गांव है भाई। और अभी हमें आज उस वाले टॉप पे जाना है, वो ऊपर वाली टॉप, वहाँ पे हमें पहुँचना है, फिलहाल वहाँ तक ट्रैक करना पड़ेगा। दोस्तों अभी मैं यहाँ पे पानी पीने के लिए आया था, और यहाँ से हम आए, और वो गांव जो है वो हमने क्रॉस कर दिया, और नाले से हम चल रहे हैं। इससे क्या है कि हम जल्दी पहुँचेंगे अपनी डेस्टिनेशन पे। सो फाइनली अभी हम पहुँच गए हैं, कम से कम वो गांव से यहाँ तक तकरीबन 6 किलोमीटर का सफ़र हमने तय कर लिया अभी, और अभी हमें कम से कम 25 किलोमीटर तक और चलना है इस पहाड़ी से ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं कहाँ से हम आए हैं, बहुत दूर से आए हैं हम, अभी हम जंगल में हैं अभी, तो इधर से ऊपर जाना है हमें। ठीक है, निकलते हैं अभी। हाँ भाई, ये फैसल भाई भी मेरे साथ ही है आज। आज हमें, हमारा कितना दिन हो गया यहाँ पे, कितने दिन हो गए यहाँ पे हमें? लगभग 2 दिन, मेरे को लग रहा है 3 दिन हो गए, परसों हम आए थे। वही तो मैं बता रहा हूँ ना, दो रातें और तीसरा दिन है हमारा इस सफर पे, है ना। ये सीरीज जो है ना, ये बहुत जबरदस्त बनेगी इंशाल्लाह, इस पे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आना चाहिए, वो सब आप तक है ना, वो इन्हीं तक सब कुछ है। तो यार 1000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट करवा दो, तो अभी निकलते हैं ऊपर तक। हाँ भाई, हमारे फैसल भाई के 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं,
लेकिन पार्टी वार्टी अभी कुछ नहीं मिला। इंशाल्लाह भाई पार्टी खिलाएंगे आपको। तो चलो अभी निकलते हैं इधर से। हाँ तो ये आप देख सकते हैं कि भाई साहब कैसे चल रही है बर्फ में, और मैं यहाँ तक पहुँच गया भाई। और मेरे पीठ पीछे वजन देखे, ये देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा वजन है। और अभी मैं बर्फ़ पे रेस्ट कर रहा हूँ भाई, और कपड़ों की हालत ख़राब हो गई, काफ़ी बर्फ हुई है यहाँ पे। सुनने में आया था गांव में बोल रहे थे यहाँ पे एक बियर है और उसके दो बच्चे हैं, यहाँ पे अगर दिखे तो भाग जाना धीरे धीरे से ही, तो पास नहीं जाना। तो हम वैसा ही मतलब देख रहे हैं, कहीं पे अगर मिले बियर भाई हम दिखा देंगे आपको। ये आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे बियर या तो नहीं लेपर्ड के ये पैरों के निशान है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं भाई। हमने नीचे से देखा भाई ये लेपर्ड के निशान, ये नाले नाले से क्यों आ रहे हैं भाई? अगर इंसान होता तो वो रास्ते से चलता, लेकिन ये नाले नाले से आया है यहाँ से जहाँ से पानी बह रहा है, और यहाँ पे ऊपर चढ़ा है फिर भी नाले में ही चला गया यहाँ से। तो इसको मैं बोल रहा था हम भी नाले नाले से ही चढ़ेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा था इंसान के पैर के निशान है, लेकिन अब मैंने अच्छे से देखा भाई ये लेपर्ड के पैर के निशान है। वो छलांगे मारता मारता यहीं से चला गया ऊपर, तो खतरे से खाली बिल्कुल भी नहीं है वहाँ से जाना। तो हम रास्ता ही चेंज कर लेते, हम इधर से जाएंगे भाई, क्योंकि यहाँ से पैरों के निशान बिल्कुल भी नहीं है। तो ऊपर चलते हैं, हमें जल्द से जल्द पहुँचना पड़ेगा अपनी डेस्टिनेशन पे, क्योंकि यहाँ पे भाई लेपर्ड का बहुत ज़्यादा खतरा है। अब तो कन्फर्म हो गया है कि लेपर्ड है यहाँ पर, या आप खुद भी देख सकते हैं भाई, ये देख सकते हैं आप, यहाँ से वो आया है यहाँ नीचे से। तो भाई अभी हम भाई पीक पे पहुंचे हैं, और आप देख सकते हैं कि हमारी मंजिल बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि यहाँ से कोई भी पहाड़ नहीं दिखाई दे रहा है। तो अभी हम निकलते हैं भाई अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। चलो भाई चलो निकलते हैं जल्दी, मंजिल मंजिल पे हम पहुंच गए भाई। तो गाइज अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला है भाई, यहाँ पे देखो यार अति सुंदर, बहुत सुंदर है भाई। ये देखा पेड़ पे क्या बना है भाई, बिल्कुल टोपी जैसा बना है। आहा हा क्या खूबसूरती है कसम से भाई, बर्फ़ से ही कश्मीर की ये है शान, है ना? ज़बरदस्त यार, सही बहुत बढ़िया है यार। और यहाँ से अलग ही किस्म के पेड़ स्टार्ट हो गए, ये आप चेक करो, ये वाले पेड़ों में और वो वाले पेड़ों में कितना फ़र्क है भाई, अलग ही लेवल के पेड़। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोनों जो हमने देखा था भाई एक ही पहाड़ रहा है, लेकिन अभी आप एक और पहाड़ देख सकते हैं बीच बीच में, उसी के टॉप पे हमें जाना है आज। वहाँ पे है भाई कोठे वोठे, उधर ही बैठेंगे। ये जो पेड़ है ना भाई ये दो किस्म हाँ एक उसमें लीव्स डिफरेंट, हाँ हाँ लीव्स डिफरेंट है इनके अंदर, ये दोनों देवदार ही है। हाँ तो ये देख सकते हैं आप लीव्स कितने डिफरेंट है इनके, बढ़िया लग रहा है। वो वाला अच्छा लग रहा है, घने लीव्स आते हैं। चलो फिलहाल आजा फैसल भाई। अरे सीना पसीना हो रहा है, अगर मैंने जैकेट लगाया होता मैं तो भाई खत्म था भाई। निकलते ये हम थोड़ा बहुत नुकीला बनाएंगे भाई, क्योंकि अगर जानवर आएगा तो ये काम आ जाएगा फिर। तो दोस्तों अभी हम आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे चाय बना रहे हैं भाई, चाय उबाल रहे हैं यहाँ पे, और इसके सामने आप देख सकते हैं कि मैंने एक दीवार सी बनाई है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा विंड तेज़ थी, तो इसी के कारण मुझे ये सब बनाना पड़ा।
ये देख सकते हैं आप। और ये दीवार देखो भाई, कमेंट करो दीवार कैसी बनी है। तीसरा दिन है भाई आज हमारा, तीसरा दिन है यहाँ पे। तीसरा दिन है आज, तो आज हमारा तीसरा दिन है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हम अभी अपना ये कर रहे हैं भाई, चाय का बंदोबस्त। हेलो फैसल भाई, आपका बोलना कि चाय कैसी बनी है। ये लो जी, तो अभी चाय पीते हैं यहाँ बैठ के भाई। बहुत बढ़िया भाई, कॉफी डाली है इसमें ना, चाय बढ़िया है भाई। मैं जाता हूँ ऊपर भाई वहाँ पे। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे पहुँचे थे भाई एक जगह पे, जहाँ पे हमने चाय वाय पी ली। तो अभी इधर से हम जा रहे हैं जी आगे की ओर, हमें सामान वामान पैक कर रहे हैं, तो आगे जाना है हमें इस वाली पहाड़ी से ऊपर। आज हम करने वाले हैं कोठा कैंपिंग ही बोलते हैं ना पे, देखेंगे क्या डिसाइड। हाँ तो अभी ऊपर जाते हैं हम, हमें कैंपिंग करने जाना है एक जगह पे। तो इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। मिलते हैं अभी अगले वाले व्लॉग में।